नजरिया लागे न। इटली से। इटली से सी जी, क्या हुआ बताइए। मेरे को यहाँ पे ना पिगमेंट आ गया। हाँ। फिर आपका वीडियो देखा मैंने जी। फिर मुझे यूज करना। अच्छा, कर लिया। हाँ। बहुत फर्क पड़ा, बहुत। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, बहुत अच्छा। अरे वाह, जबरदस्त, बहुत अच्छा रिजल्ट है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप तो एकदम चेंज हो गए हो बिल्कुल। सी फोटो में तो आप लगी नहीं रहे, आप ही हो। बहुत कुछ ट्राई किया पर कुछ नहीं हुआ, पर आपका रेमेडी यूज कर लिया, फिर बहुत चेंज हुआ। माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कितना टाइम हो गया आपको, कितना कब से था ये आपको? मैम मेरे तो चार साल से था। अच्छा, कितना टाइम हुआ आपको बम्पर रेमेडी यूज करके? डेढ़ महीना। ओ, डेढ़ महीना में आपको ये रिजल्ट मिला है, वाओ। और ब्राउन पैच पे, ब्राउन पैच है ये आपका, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको नजरे बद से बचाए। खुश हो आप? बहुत बहुत कुछ। बस और क्या, कब से मैं ट्राई कर रही हूँ तो आप मेरा फोन उठाते नहीं। फिर मुझे थोड़ा सा मैंने मन घबरा जाती है, मैम तो मेरे साथ बात नहीं करता, लेकिन मेरे को पसंद नहीं करता। मैं हूँ अकेली से बांग्लादेशी, इसलिए नहीं, और मैं समझ सकती हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को, मेरी क्या औकात है कि मैं किसी को पसंद करूं और ना पसंद करूं, है ना। मेरी कोई औकात नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि आप लोग इतना प्यार करते हो। और बस क्या बोलूं मैं, क्या कौन होती हूँ आपको पसंद करने और ना पसंद करने वाली। मैं एक कोर्सी छोटी सी कर रही हूँ ताकि सब लोग खुश हो सके, है ना। आप खुश मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आप ऐसे ही खुश रहिए हमेशा, मेरी दुआ है आपके लिए, अल्लाह ताला आपको ऐसे ही खुश रखे और ऐसे ही चमकता हुआ चेहरा आपको हमेशा अल्लाह ताला अपनी रहमत के साए में रखे और नजरे बद से बचाए। और आपसे मैं अभी बात कर रही हूँ तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। इतना कॉल किया आप उठाते नहीं। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला बात नहीं हो। फिर अचानक मेरे मन से एक है, मुझे पसंद नहीं करती है मैम। उसको लाओ, ये वाला। क्या नाम है आपका? नाम हुमैरा, हुमैरा इस्लाम। रुबीना। हुमैरा, हुमैरा, हुमैरा। अच्छा, हुमैरा, वाह माशाल्लाह, अच्छा नाम है, क्यूटी है ये तो, बहुत ज्यादा क्यूट है, बहुत अच्छा अच्छा रिजल्ट है आपको। मैम जी बोलिए। मैम ये पे कुछ रेट होता है? हाँ, कभी कभी रेट होता है, क्योंकि कभी कभी वहाँ पे बाकी है, थोड़ा सा है पिगमेंटेशन अभी अंदर है, देखिए ऊपर से दिखाई दे रहा है, अभी और यूज कीजिए। हाँ, थोड़ा सा बाकी है, वो जब वो खत्म हो जाएगा तो रेट होना अपने आप बंद हो जाएगा। ये पे फेस और ये पे फेस मिलता नहीं, अब क्या करूं? मैं बॉडी पॉलिशिंग के लिए भी वीडियो बनाऊंगी तो देखना, तो फिर आप बॉडी पे भी करना, ठीक है। नेचुरल करूंगी बिल्कुल, उसमें आपके पैसे खर्च नहीं होंगे, ठीक है। तो बॉडी पॉलिशिंग करना आप, उससे आप रोज उसको लगाना बॉडी पे, वो भी साफ हो जाएगा आपका, ठीक है।
ओके मैम, ओके शुक्रिया। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ मैम, क्यों मुझे बात नहीं करते, क्यों मुझे बात नहीं करते। उन्हें अचानक आपका कॉल आ गया, मैं खुश हो गए, बहुत खुश हो गए। मैं सबसे बात करती हूँ और मैंने वादा किया है कि मैं सबसे बात करूंगी, लेट होगा लेकिन बात मैं सबसे करूंगी, ये मेरा वादा है और मैं वादा खिलाफी कभी नहीं करती। हाँ लेट हो जाएगा उसके लिए सॉरी, उसके लिए नो, मैं तो बहुत ज्यादा आपका परेशान किया, मैंने कॉल किया आप मैंने बुरा तो नहीं माना? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानती हूँ। मुझे तो ये लगता है कि मैं इतना लेट बात करती हूँ, आप लोगों को बुरा लगता है, जाहिर सी बात है, बहुत वेट करते हो आप लोग मेरा, उसके लिए वेट करते हो आप लोग मेरा, उसके लिए बहुत सॉरी। नो, आपके सॉरी नहीं बोलते मैम। कुछ फील हुआ था पहले, अब नहीं, अब नहीं होता। हाँ अब नहीं होगा, वो थोड़ा सा जो रेड हो रहा है आपका, थोड़ा पैच बाकी है अंदर, क्योंकि ये ब्राउन पैच मलाजमा था आपको और आपको बहुत जल्दी और अच्छा माशाल्लाह रिजल्ट मिला। शुक्राने की दो रकात नमाज अदा कीजिए अल्लाह से और अल्लाह से कि और हमारी जो बम्पर रेमेडी है उससे मुझे ठीक किया और मुझे और इसमें और भी तासीर अल्लाह ताला डाल दे जिससे सब लोग ठीक हो जाए, है ना? ऐसे दो रिका आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। थोड़ी सी कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मरने के बाद अल्लाह के सामने खड़ी हो सकूं। वही तो अच्छा बात है, ये दुनिया कुछ नहीं, सब तो मैंने जोकन मारने के बाद मेरा सब कुछ, आपका सब कुछ, क्योंकि मेरा तो मुसलमान। हाँ हमारा यहाँ की जिंदगी तो फानी है ना, वहाँ तो हम नहीं मरेंगे, वहाँ तो मौत नहीं आएगी हमें, है ना? और जब अल्लाह मेरा हिंदी हो ठीक है, ठीक है अच्छी है। जब हम जाएंगे ना अल्लाह के सामने और अल्लाह जब अपनी रहमत की चादर को डालकर पूछेगा कि तुमने क्या किया, तब हम अल्लाह के सामने कुछ तो कह पाए कि हमने कुछ किया, हमने किसी को बता दिया, हमने किसी के आगे पहुंच दिए, है ना? कुछ थोड़ा सा वही बात है। बस इसीलिए करती हूँ कि अल्लाह ताला जो है जब मुझसे पूछे तो मैं थोड़ा सा अल्लाह को अल्लाह के सामने सुरखुरु बन सकूं, बस, है ना? बहुत अच्छा काम कर, पूरा 100% जाना चाहिए, थोड़ा सा भी बचना नहीं चाहिए। ओके ओके पानी पीना है, खूब पानी पीना है, नारियल पानी, फ्रूट वगैरह, जूस वगैरह खूब लेना है। अच्छा अच्छा है ना, पानी बहुत अच्छे पीते हैं, रमजान की महीने गए ना इसीलिए थोड़ा कम पिया। अच्छा नहा, कोई बात नहीं, अब पीजिए, अब रमजान चला गया, रमजान भी हमें हेल्दी बना देता है, रोजा रखने से हमारी बहुत सारी बीमारियां जो है वो ठीक हो जाती है, बहुत ठीक है, अंदर से सब कुछ ठीक कर देते हैं। हाँ हमारी सर्विसिंग होती है मशीन की, है ना? मैम आपके साथ बात करती हूँ मुझे खूब मैंने अजीब सी लगते है, कभी आपके साथ कितना कॉल किया आप कॉल नहीं उठाते, फिर थोड़ा सा घबरा जाती हूँ, मेरे को पसंद नहीं करते मैम इसलिए बात नहीं हो पाई। नहीं ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं, आप लोग मुझे पसंद करते हो, वो आप सब लोगों का एहसान है मेरे ऊपर कि मैं तो किसी लायक भी नहीं, फिर भी आप लोग इतना प्यार करते हो, मुझे दुआएं देते हो इतना, बस और क्या चाहिए, है ना? तो मैं तो कुछ नहीं समझती खुद को, गुनाहगार हूँ, गुनाहगार बंदी हूँ अल्लाह की, और फिर भी आप लोग मुझे प्यार करते हो, है ना? तो बस अल्लाह का पेमेंट भी कहाँ से मिल रही है, मेरे तो इभी तो मंगाया आपका एक बात करती हूँ, देखा मैंने वो आइसलैंड में था का, आइसलैंड में औरत में बात करती हूँ, देखा उन्होंने बोला था इभी तो मैंने रेमेडी मंगाया, फिर मुझे इभी तो मंगाया। अच्छा हाँ, एक ने बताया था, हाँ सही, बहुत अच्छा, ठीक है, आप इसी तरह से चलते रहिए और पानी वगैरह खूब पीना है, 8 लीटर पानी पीजिए, है ना? और आप आपको जो आपका जो बम्पर रेमेडी का एक्सपीरियंस है वो यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करना चाहोगे? सी, बहुत अच्छा रेमेडी है, बहुत अच्छा है।
इसके पहले तो कोई रेमेडी अच्छा नहीं था, ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरे खुद कितना सारा क्रीम यूज करना, इटली में, लंदन में बहुत सारे क्रीम यूज करने, कोई नहीं फर्क पड़ता, लेकिन आपके रेमेडी फर्क नहीं पड़ता, रेमेडी मेरे को दाग चला गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको नजरे बद से बचाए और ऐसे ही हंसता मुस्कुराता और चौधरी की चांद की तरह ऐसे ही चमकाता रखे आपको अल्लाह ताला। मेरी दुआ है, दुआ कीजिए मेरे को लिए जी, और अल्लाह ताला से आप भी दुआ कीजिए, दुआ में बहुत ताकत होती है। अल्लाह ताला दुआ करने से हमारी तकदीरें बदल देता है, दवा की तासीर बढ़ा देता है। सदका कीजिए मैम, ठीक है, सदका आपका ठीक होगा। आप किसी गरीब को सदका कीजिए इसके बदले, मेरा ये ठीक हुआ और इसके बदले में सदका दे रही हूँ, है ना। सदका सदका बहुत होता है, सदका कीजिए हर चीज के लिए, सदका नाम लेके कीजिए कि मेरा ये दाग ठीक हो गया इसका सदका। ओके ओके मैम, नीले पे दाग हुआ इसलिए। हाँ सदका, उसका नाम लेके कीजिए, अल्लाह तूने मेरा ये ठीक किया, तेरा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इसका सदका दे रही हूँ, ठीक है। किसी गरीब को खाना खिला दीजिए, किसी की मदद कर दीजिए, थोड़ा सदका कर दीजिए, है ना। इस तरह से क्या होगा, आपको उसका अजर अल्लाह ताला नेक देगा, नेक अजर से नवाजेगा आपको, है ना। और इसी तरह से कीजिए, और जो बम्पर में भी है उसको आप कितना नंबर देंगी, 100 में से 100 100 50 बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ठीक है। और बस ऐसे चलते आपको बताया है उसी तरह से चलते रहिए, ठीक है। और बहुत अच्छी रिजल्ट है आपका माशाल्लाह। जी मैम मेरे हस्बैंड जो कभी कभी ऐसे ही बोलते हैं, आपने तुमको इतना उपकार किया, अच्छा कर लिया, है ना, अच्छा है ना मैम। आप तो कुछ दिन मैं फिर से कभी बात करती हूँ मैम, कभी भी बात करो जब आपका दिल चाहे। फर्स्ट टाइम प्रॉब्लम होता है, सेकंड टाइम प्रॉब्लम नहीं होता। ओके मैम, कोई भी मैसेज, शुक्रिया मैम, शुक्रिया। आप कभी भी कॉल कीजिए, अगर मैंने रिसीव नहीं किया तो मैं कॉल बैक करूंगी फिर आपको, ओके। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैम आप कहाँ रहती है? मैं बम्बई रहती हूँ, इंडिया। इंडिया इंडिया बम्बई से पता है मेरे को, आइए बम्बई मेरा है, जरूर आशा रखती हूँ। जब आप आएंगी तो बताना मुझे, दावत दूंगी मैं आपको इंशाल्लाह। ओके मैम शुक्रिया शुक्रिया। जब भी आप आएंगे आप बताइए मुझे, इंशाल्लाह मिलेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, कुछ नहीं है मैम। आपको बांग्ला भी आती है? आमी जाबो, ओ ठीक ही तो है। आमी जोल खाबो, आमी जोल खेते जेबो, আমি খাবো না, আমি জল খাবো না, এই সব আতা হয় থোড়া থোড়া। মেরা তো হিন্দি বাতাতে বহুত কষ্ট হতে, আপ তো বাংলাই বাতাতি হ্যাঁ। थोड़ा थोड़ा आता है बस, जो कॉमन सा है वही आता है, है ना, है ना। बोलबो ना, बोलबो ना, सलाम दो, सलाम, अस्सलाम वालेकुम, दोस्ती करो मुझसे, मेरे पास बहुत सारे खिलौने हैं, दोस्ती करोगी मुझसे? बहुत बहुत प्यारी हो आप, क्यूट हो, क्यूट छोटी हो, ये सब मेरे बच्चे हैं, जाने दो जाने दो, खेलने दो उसको, खेलने दो उसको, उसको जब दोस्ती देखेंगे ना दो तीन बार तो फिर वो अपने आप आएगी, है ना जी बच्चे। जी मैम देखो ये सब मेरी फैमिली है, कितना अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, देखो कैसी है, मतलब मेरा मेरे ही घर के बच्चे हैं, मेरे ही मतलब फैमिली है मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे आप लोगों से नवाजा है, बस अल्लाह का शुक्र ही अदा कर सकती हूँ, और क्या पूरी जिंदगी अदा करूँ अल्लाह का शुक्र तो भी कम है अल्हम्दुलिल्लाह। मैम कभी कभी ऐसा लगती हूँ मेरा नसीब में आपका साथ बात करती हो लिखा था,
इसीलिए आपके साथ मैं जुड़ गई। अल्लाह ताला इसीलिए कहता है मायूसी कुफ्र है, मायूस मत हो, चाहे वो छोटी सी चीज भी होगा, अल्लाह ने जो यहाँ लिख दिया है नसीब में वो होगा और वो आपको मिलेगा। अब आप सोचो, देखो कितनी गहरी बात है कि आप, मुझे थोड़ी पता था कि एक दिन मेरा पिगमेंटेशन होगा, फिर मैं बम्पर में भी ढूंढूंगी, फिर मैं सोशल मीडिया पे बात करूंगी, फिर एक दिन आप मुझे आओगे। आप कौन, मैं तो नहीं जानती, मैं कौन हूँ आप नहीं जानते, लेकिन ये अल्लाह की जात होती है जो जरिया बनाता है एक दूसरे से। जी मैम, जी मैम, ठीक है। तो अल्लाह की जात ने हम सबको मिलाया, जरिया बनाया एक दूसरे का, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। जो लोग बुरा बोलते हैं उनको भी मेरा जरिया अल्लाह ताला ने बनाया। दुश्मन को भी बद्दुआ नहीं देती हूँ, क्यों, मैं सोचती हूँ कि अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि रब उसको वो दे दे जो उसको चाहिए, ताकि वो मुझसे हसद ना करे, जलेसी ना हो उसको मुझसे। जरूर जरूर, जिसके जरिए से जिसको लिख देता है वो होगा, होके ही रहेगा। जरूर होगा, जरूर होगा, क्योंकि मेरा अल्लाह लिख दिया। हाँ, अल्लाह ने लिख दिया, बोल दिया जा, अल्लाह ने कुन कह दिया, हो जाएगा कुन, ठीक है। तो अल्लाह जो है ना वो हम सब के दिल के हाल से वाकिफ है। क्या पता आपकी दुआओं से मुझे बम्पर में भी मिला, क्या पता किसी और की दुआओं से, क्या पता किसकी दुआ कबूल हुई और उसके बदले। जी मैम, कभी तो कभी ये नहीं सोचा था जो इंडिया में एक आप ही रहते हो उसके साथ मेरा बात हो, कभी मैं सोचा नहीं, लेकिन आज मैं आपके साथ बात करती हूँ, ये नसीब में था, मेरा नसीब में था। अल्लाह ने जो लिख दिया वो होके ही रहेगा। अल्लाह ने कहा कि जो रिस्क मैंने तुम्हें दिया वो तुम दूसरों तक भी पहुंचा दो, तो ये रिस्क है। रिस्क में आटा चावल दाल नहीं होता, रिस्क मतलब सब कुछ होता है जो हमारे घर में, खाने की, पीने की, रहने की, बेड है, सोफा है, टीवी, सब कुछ, सब कुछ अल्लाह की रिस्क में आता है। जो रिस्क मैंने तुम्हें, अल्लाह ने मुझे ऐसा रिस्क अता कि अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने आप सबको दे दिया है ना, आप सबको दे दिया ताकि आप लोगों का भी फायदा हो मेरे साथ साथ। जी मैम, जी मैम, जरूर हो रहा है, जो यकीदा रखते हैं, इसलिए इतना प्यारा संता कभी आईने ही नहीं देखता, मन नहीं करता। ऐसे ही खुश रहो, अल्लाह पे यकीन रखो, क्योंकि सबसे बड़ा हकीम वही है। जी मैम, जी मैम, जरूर है ना। तो अल्लाह की तरफ से मांगो, जो भी मांगना है, इंसान कुछ नहीं दे सकता, मैं क्या दूंगी आपको, मेरी औकात है, मैं तो खुद गुनाहगार बंदी, मैं क्या दूंगी किसी को, मेरी कोई हैसियत नहीं। अल्लाह से मांगिए, शुक्राने की नमाज अदा कीजिए, हर चीज में अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह ताला आपको वो अता करेगा जो आपने सोचा भी नहीं। जी मैम, जरूर जरूर, ठीक है। कभी कभी तो मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ इंडिया में आप ही के साथ बात करूँ, मेरा तो ये नसीब लिखा था, मेरे अल्लाह ने लिखा। थोड़ा टाइम लगता है हर चीज में, ये दाग है जो जमा हुआ है अंदर तक, उसको रिमूव होने में टाइम लगता है, ऐसे फटाफट फटाफट मेरा होता, ठीक है। चार साल मैम, चार साल से मेरा पहला बेटी ने आ गया तब से। हाँ, तो इसी तरह से थोड़ा सा टाइम लगते, थोड़ा सा क्या, कितने लोगों को तो 8-9 महीने भी लग जाते हैं, 1 साल भी लग जाता है, लेकिन वो करते हैं क्योंकि उनका अटल इरादा है कि मुझे इसको ठीक करके ही दम लेना है ना। जी मैम, तो जी मैम, तो यही होता है, अल्लाह की जात बहुत बड़ी है, कब किसको क्या देगा नहीं मालूम, कब मुझे क्या देगा नहीं मालूम, मुझे भी। जी मैम, जी मैम, तो दे देता है अल्लाह, जब अल्लाह के सामने जब हम हाथ उठाते हैं ना अपने दिल से, तो अल्लाह की जात कभी भी हमारे उठे हाथों को खाली नहीं भेजता। जी मैम, जी मैम, देता है, और ऐसे देता है ना कि मैं बता नहीं सकती, मुझे तो देता है। अगर मैं कुछ भी मांगू, तुझे कुछ भी, अल्लाह ताला दे देता है, देता है, और मेरी दुआ जरूर जरूर अल्लाह पाक देता है, इसीलिए तो बंदा खुश। अगर मुझे कोई कहेगा कि मैं नहीं, कोई कहता है ना मुझसे मेरी दुआ कबूल नहीं आती होती, तो मुझे गुस्सा आता है, क्यों नहीं होती, आप सबकी दुआ कबूल होती है, लेकिन आपको उस वक्त नहीं दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी दुआ कबूल नहीं हुई,
इसका मतलब ये होता है कि आप उस वक्त उस चीज के लायक नहीं हो, इसीलिए आपको नहीं मिला है ना। और आपकी जो दुआ है वो अल्लाह ताला है ना संभाल के आपकी गुल्लक में रख दिया है। जब आप उस लायक हो जाओगे तो वो आपका गुल्लक तोड़ के आपकी जो नेकी है ना वो अदा कर देगा आपको। जी मैम, जरूर जरूर जरूर, अल्लाह को पता है, अल्लाह को पता है जो कुछ कहा देता है, कुछ सब कुछ अल्लाह ने पता। आप ये देखो ना, अभी आपकी बेटी है, कितनी छोटी है ना, 2-2.5 साल की है मुश्किल से, वो है ना 2-2.5 साल की। तो आप ये बताओ कि वो अभी आपसे बोले कि मुझे एक फ्लैट दो, BMW गाड़ी दो, तो आपको कैसे हंसी आएगी? हंसी आएगी। और हम लोग उसको मजाक में लेंगे, मतलब जो जैसे जो मारा उसने इस तरह से हम हंसेंगे उसके ऊपर कि ये बंगला गाड़ी क्या करेगी, है ना। जी तो क्यों क्यों हंसेंगे हम, क्योंकि वो अभी बच्चा है 2-2.5 साल का। जी मैम, आपने उस ठीक कहा। तो वो बच्चा है और मुझे ये पता है, मतलब माँ बाप को ये पता है इतना छोटा बच्चा बंगला गाड़ी क्या करेगा, इसीलिए वो हंसता है और उसकी बातों को सीरियस नहीं लेता है, टाल देता है। सही है जी मैम, जरूर जरूर। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है, 22-25 साल का हो जाता है, और अगर हमसे वो गाड़ी मांगे तो हम देते हैं उसको, देते हैं ना। क्यों देते हैं? तब वो गाड़ी चलाने के लायक होता है। जी मैम, है ना, जरूर जरूर। इसीलिए इसी तरह से अल्लाह की जात जब हम दुआ मांगते हैं और फौरन नहीं कबूल होती है ना, तो अल्लाह ताला भी ठीक वैसे ही, जैसे हम अपने 2.5 साल के बच्चे को BMW नहीं दे सकते, गाड़ी नहीं, घर नहीं दे सकते, उसी तरह से अल्लाह के नजदीक हम है नादान। जी मैम, जी मैम, जरूर। तो अल्लाह ताला तो तुरंत नहीं देता है क्योंकि हम उसको संभाल नहीं पाएंगे, और पाएंगे, वो हमारा जमा कर देता है साइड में, गुल्लक में डाल देता है अल्लाह ताला। वो फिर जब हम गाड़ी चलाने के लायक हो जाते हैं तो अल्लाह ताला हमें वो दे देता है, दे देते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला भी 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करता है। मैं हिंदी थोड़ा कम बोलती हूँ, पर आपका सारी बात मैं समझ सकती हूँ, सारी बात। हाँ, है ना। तो ये सारी चीजें होती है, अल्लाह की जात सबको अता करता है, वो नहीं अता करता तो हम खाते कैसे, पहनते कैसे, रहते कैसे, हवा कैसे लेते, सांस कैसे लेते, हम देखते हैं। अल्लाह की नेमतों में से ये है, ये भी इसमें अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं, है ना। अब हमारे हाथ है, अब अल्लाह ने हाथ में 5 उंगलियां दी और 1 अंगूठा भी दिया। अगर सपोज करो अल्लाह अंगूठा निकाल ले, ऐसा ना देता हमें, अंगूठा हटा देता, तो हम कैसे खाते? ऐसे ऐसे हम खा सकते थे, मतलब एक अंगूठा ना होने की वजह से हमारा पूरा हाथ बेकार है, बेकार है, बेकार है, किसी काम का नहीं है, हम इससे कुछ नहीं खा सकते, नहीं पकड़ सकते। इस चार फिंगर को इसका सपोर्ट चाहिए, ऐसे जरूर जरूर, है ना। जब ये हमें इसको सपोर्ट करता है तब हम कुछ उठा पाते हैं, गिलास पकड़ पाते हैं, कप चाय का पकड़ के पी पाते हैं। अगर ये ना रहे तो हम चाय का कप कैसे पकड़ेंगे, गिलास कैसे पकड़ेंगे, खाना कैसे खाएंगे, ऐसे करके ऐसे खाना पड़ेगा। नहीं मैम, नहीं मैम, नहीं ना, पॉसिबल नहीं है। अल्लाह ताला ने जब 4 उंगली दी तो इसको भी देने की क्या जरूरत थी, तो अल्लाह ने इसी क्योंकि ये 4 उंगली बिना अंगूठे के किसी काम का नहीं। जी मैम, इसीलिए चारों को इसका सपोर्ट चाहिए। जी मैम, जी मैम, जरूर जरूर, सही है ना, आपने ठीक कहा। हाँ, तो ये होता है, इसकी बदौलत आप मुट्ठी भी नहीं बंद कर सकते। कैसे बंद करोगे? जब मुट्ठी खुल करोगे खुल जाएगा, लेकिन अगर इसको ये सपोर्ट करता है इसको इस तरह से लॉक, जरूर जरूर लॉक हो गया, अब इसको कोई नहीं खोल सकता। जी मैम, लॉक है ये, लॉक है ना। तो इसी तरह से होता है, तो अल्लाह को सब पता है। जब अल्लाह को ये पता है कि इसको 4 को सपोर्ट करने के लिए अंगूठे की भी जरूरत है, तो अल्लाह को सब कुछ पता। जी मैम, जरूर सब कुछ पता, जरूर मैम, जरूर। मेरा अल्लाह शुक्रिया अदा, इतना सारी रहमत देता है, इतना सारी रहमत देते है, शुक्रिया अदा भी करते करते था मतलब कम हो जाएगा मेरे अल्लाह के लिए शुक्रिया अदा करते करते। आजकल क्या होता है देखिए, आजकल मॉडल जमाना है ना, हम लोग मॉडल लोग हैं,
है ना, तो हम लोग सदका नहीं करते, हम लोग अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते, अल्लाह से हम ऐसा कहते हैं कि शुक्रिया, लेकिन किस चीज का शुक्रिया वो भी तो बोलो, बोलो अल्लाह को कबूल के अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें साफ पानी पीने को दिया, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने उसको साफ करने की मशीन अता की, फिल्टर दिया ना साफ करने के लिए, फिर उतना से भी अल्लाह नहीं रुका तो अल्लाह ने हमें फ्रिज दिया ठंडा करने के लिए, मशीन दिया कि ले मेरे बंदे पानी तो दिया लेकिन साफ करने की औकात दी, तेरे को मशीन दी है ना, फिर तुझे उसको तर करने के लिए ठंडा करने के लिए मशीन दिया तो अल्लाह ताला की जात से नाम लीजिए, नाम लेके बोलिए अल्लाह तेरा शुक्र कि तूने फ्रिज दिया, शुक्र की साफ करने के लिए पानी मशीन दी, अल्लाह तेरा शुक्र साफ पानी पीने की अता की है ना, इस तरह से नाम लीजिए हर चीज का, कीजिए उसकी जकात कीजिए, उसका उसके लिए अल्लाह ताला से शुक्र अदा कीजिए, उसी तरह से इसका भी सत्कार कीजिए कि अल्लाह तुमने मेरा ये ठीक कर दिया, तेरा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी मैम, जरूर जरूर सिंपल सी बात है। मैं आपका रेमेडी से बहुत बहुत खुश हूँ, आपका रेमेडी मैंने बहुत अच्छा लगते है, बहुत अच्छे लगते है, इसी तरह से आप चलते रहिए जैसे बताया, शुक्रिया आपके साथ बात होता है, शुक्रिया इसीलिए अल्लाह का शुक्र है, आपसे इंतजार करते हैं, अल्लाह पाक तो पहला फिर दूसरे दुनिया में जिस चीज की जरूरत है इसलिए शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अल्लाह का कि मुझे भी अल्लाह ने आपसे बात करने का मौका दिया है ना, आप जैसे अच्छे लोगों से नेक लोगों से बात करने के लिए अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों की दुआओं में मुझे अल्लाह ने महफूज किया, अल्लाह ताला जी आपके साथ मेरा बात हो पाए इसलिए अल्लाह के अल्लाह पे मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, मेरा अल्लाह पे बताती हूँ जो अल्हम्दुलिल्लाह आप ही से बात करती हूँ शुक्रिया, मुझे तो यही खुशी होती है कि जब मैं मरूंगी तो कोई तो हाथ उठेगा मेरे लिए दुआ करने के लिए, बस मैम वही तो जरूरी, वही तो जरूरी, दुनिया में कुछ चीज का इतना जरूरी नहीं जी, मैं तो देखिए अभी कितना 9-10 बज रहे हैं, मैं बैठी हूँ कॉल पे क्योंकि आज बहुत दिन से मैंने बीमार हो गई थी मैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि अब मैं ज्यादा ज्यादा कॉल लेती हूँ ताकि ज्यादा ज्यादा लोगों से बात कर दू कंटिन्यू जी मैम, ठीक है, और लास्ट में कुछ मैसेज दे, पॉजिटिव मैसेज देना चाहोगे यूट्यूब फैमिली जो आपको देखते हैं सुनते हैं, मेरा इतने में से 100% यूज करना चाहिए, 100% आपका रेमेडी 100% काम करती है, 100% इसीलिए सबको यूज करना जरूरी है, सबको जी जी बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला सबको शिफा दे, जैसे आपको शिफा दिया सबको शिफा दिया, उनको भी अल्लाह ताला शिफा अता करे, मेरे किसी नेकियों के सदके सबके चेहरों को अल्लाह ताला चांद सितारों जैसा रोशन कर दे, चौधरी की चांद की तरह रोशन कर दे सबकी, जो भी बम्पर रेमेडी को लगाता है अल्लाह ताला हमारी बम्पर रेमेडी में इतनी तासीर डाल दे कि कोई दुश्मन भी लगाए ना तो वो चमक जाए है ना जी, जरूर इसी तरह से सबके लिए दुआ क्या करे तो अल्लाह ताला आपकी दुआ भी कबूल करेगा जी मैम, जरूर ठीक है, जरूर मिलते हैं जल्दी इंशाल्लाह, मेरा अल्लाह के शुक्रिया, मेरा अल्लाह के शुक्रिया जो आपके साथ आपका रेमेडी यूज करने के तौफीक अदा कर रिया मेरे अल्लाह ने, मेरे अल्लाह को बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, इसीलिए आपके साथ मेरा नसीब में था आपके साथ बात करते हो पाई बात, ठीक है मिलते हैं इंशाल्लाह जल्दी, ओके इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह मेरे लिए दुआ कीजिए मैम जी जी, ओके अल्लाह हाफिज़, आप सब अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाह।